सुप्रभात छात्रों, जय श्री कृष्णा। मैं सरिता मंडलोई, कक्षा अध्यापिका एलकेजी की एसआरपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी शीर्षक चार वर्णों वाले शब्द लिखना एवं पढ़ना सीखेंगे। इससे पहले हम दो वर्णों वाले शब्द एवं तीन वर्णों वाले शब्दों को पढ़ना एवं लिखना सीख चुके हैं। आज हम चार वर्णों वाले शब्दों को कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे। ओके बच्चों, शुरू करें हम। सबसे पहले हम सीखेंगे अ, ज, ग, र। फिर से अ, ज, ग, र। अजगर। नंबर दो, अ, च, क, न, अ, च, क, न। अचकन। नंबर तीन, प, र, व, ल। प, र, व, ल। परवल। बच्चों, परवल एक सब्जी का नाम है। नंबर चार, क, स, र, त। क, स, र, त। कसरत। कसरत, बच्चों हम कसरत करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, उसको कसरत बोलते हैं। नंबर पांच, अ, द, र, क। अ, द, र, क। अदरक। क्या लिखा है बच्चों? अ, द, र, क, अदरक। क, ट, ह, ल। क, ट, ह, ल। कटहल। फिर से बच्चों हम एक बार पुनः पढ़ेंगे इन्हें। अ, ज, ग, र। अजगर। अ, च, क, न। अचकन। प, र, व, ल। परवल। क, स, र, त।
कसरत सॉरी अ द र क अदरक क ट ह ल कटहल। बच्चों आपको जब आप चार वर्णों वाले शब्द को लिखेंगे एवं पढ़ेंगे तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी शब्द लिखेंगे उसको बोलेंगे, उसको बोलकर ही आपको लिखना है। इससे आपको हर एक शब्द की पहचान रहेगी और बोल बोलकर लिखेंगे आप तो आपको आराम लिखने में सहूलियत रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इस धन्यवाद।